सोमवार को महुआ शहर में भारी संख्या में किसान बंधु नजर आए। बताते चले कि बीते महीनों में बारिश का न होना, किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ न मिल पाना और अन्य योजना संबंधी किसान सदर तहसील महुआ में पहुंचे और भारी संख्या में एकजुट होकर अपनी मांगें उप जिलाधिकारी के सम्मुख रखी। किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत अधिकारियों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। किसानों ने कहा कि कई बार इस बाबत वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि उनकी कोई बात सुनते ही नहीं। मांगों में किसानों ने सूखा ग्रस्त महोबा जिला घोषित करने की भी मांग उठाई है। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वो एकजुट होकर उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। हमारे नाम चंद्रभूषण राजपूत। आज आप लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या समस्या आप लोगों की? हम लोग अपनी अनेक समस्याओं को लेकर के बैठे हैं और खासतौर से हम अपने महोबा जनपद के जिलाधीश महोदय से परेशान हैं, क्योंकि ये हमारी शिकायतें सुनते नहीं है। 2022 का जब हम लोगों ने अपना समर्थन मूल्य में चना जा करके सरकारी सेंटर पर बेचा तो वहाँ पे हम लोगों से 300 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से वसूला गया। तो हमने जब शिकायत की जिलाधीश महोदय से और ये जांच के लिए कहा कि श्रीमान जी ये जांच करें कि वहाँ पे व्याप्त ये भ्रष्टाचार है, तो जब इन्होंने जांच की तो इन्होंने खुद ही 1000 क्विंटल चना को पकड़ा। इन्होंने 1000 चना एक क्विंटल को पकड़ा और फिर इन्हीं ने उसकी जाँच की। तो उस जांच में ख़ास तौर से जिलाधीश महोदय ने ही घपला किया है और कहा जाए तो जब इन्होंने चने को पकड़ लिया वहाँ पे सेंटर पे, तो इन्होंने उसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति वहाँ पे खरीद रहा था, पुनः उसी व्यक्ति को पुनः खरीदने का ठेका दे दिया। तो यहाँ हमारा संदेह और भी बढ़ जाता है कि उसमें जिलाधिकारी महोदय का भी कुछ हाथ है, क्योंकि यहाँ पर संदेह प्रकट होता है कि जिलाधीश महोदय ने इसमें कुछ साठ गांठ जरूर की है। तो इस और हम कई बार ये शिकायत लेके गए हैं कि श्रीमान जी अभी हमारा भुगतान नहीं आ रहा है, जबकि 45-46 घंटे का इसका समय दिया जाता है कि किसानों का इतने में भुगतान हो जाना चाहिए, तो जबकि हमारा आज लगभग 80 दिन होने जा रहा है। तो हमने इनको फिर ये प्रार्थना सुनाई तो ये हम लोगों की ज्ञापन रख लेते हैं और ये पता नहीं है कि ये लोग हमारे मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भेजते हैं अथवा नहीं भेजते हैं। यदि आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तो आप लोग आगे क्या करेंगे? अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम क्रमिक धरना देंगे। जब तक हम लोगों का बीमा नहीं आ जाता हम लोग अपने क्रमिक धरना से नहीं हटेंगे।